हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T3 5G फ़ोन है, तो वीवो T3 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर OTG ऑप्शंस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वीवो T3 5G फ़ोन में, और OTG ऑप्शंस को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे वीवो T3 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और OTG को कनेक्ट करके कैसे अपने फ़ोन में एक्सटर्नल पेन ड्राइव कैसे लगा सकते हैं, अपने फ़ोन में एक्स्ट्रा स्टोरेज कैसे बना सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि OTG ऑप्शंस को कैसे कनेक्ट करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन्स हैं, शोर हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो OTG ऑप्शंस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में, इसका आप यूज़ भी कैसे कर पाएंगे फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो सिंपली सेटिंग्स शो हो रही है, तो आपको जाना होगा ब्लूटूथ डिवाइस सेटिंग्स पे। तो ब्लूटूथ डिवाइस सेटिंग्स आपके फ़ोन में आ जाएगी, जिसके ज़रिए आपको OTG ऑप्शन से दिख रहा है, सिंपली बस इस तरीके से ऑन कर लेना है, और ऑन करते ही आपके फ़ोन में OTG ऑप्शन से ऑन हो जाएगा, जिससे OTG कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन में, फ्लैश स्टोरेज ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं, और अपने फ़ोन में एक्स्ट्रा स्टोरेज बना सकते हैं, जिसमें आप फाइल वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और पेन ड्राइव भी अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से OTG को कनेक्ट कर सकते हैं, OTG को ऑन करके इसका यूज़ भी कर पाएंगे। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप देखते हैं कि सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। OTG ऑप्शन आपको सर्च करना है, और डायरेक्टली आप OTG ऑप्शंस पे आ जाएंगे, जिसके ज़रिए OTG को ऑन या ऑफ़ करके OTG पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं और इसका यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी OTG पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं अपने वीवो T3 5G फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, और स्टोरेज भी कनेक्ट कर सकते हैं वीवो T3 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।